एक रुपए के नोट को दोबारा शुरू करने के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि शादी समारोह में इस नोट की विशेष अहमियत रहती है। चलिए आपको अब हम बताते हैं कि एक रुपए के नोट को क्यों बंद कर दिया गया था, और साथ ही बताएंगे कि आम जनता का क्या कहना है एक रुपए के इस नए नोट के बारे में। पहले की ही तरह इस बार भी एक रुपए के नोट की छपाई रिजर्व बैंक के मिंट के बजाय भारत सरकार के मुद्रण कारखाने में ही की गई। नया नोट मौजूदा वित्त सचिव राजीव महर्षि के हस्ताक्षर से जारी किया गया। आप सोच रहे होंगे कि क्यों शुरू की गई छपाई, ऐसी क्या वजह थी। तो हमारी टीम ने एक अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि एक रुपए की छपाई शुरू करने के पीछे मुख्य कारण है कि इसके जाली नोट जल्दी से नहीं बनाए जाते। दरअसल एक रुपए की वैल्यू भी आज की कीमतों को देखते हुए काफी कम है, जिस कारण उसका जाली नोट बनाना कहीं से भी जाली करेंसी बनाने के गोरख धंधे में लगे लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए बाजार में एक रुपए के नकली नोट होने का खतरा कम है। वही लोगों का कहना है कि शादी त्योहारों में मांग के चलते भी दबाव बना। बैंकर जीएस बिंद्रा के अनुसार शादी त्योहारों में एक रुपए के नोट की काफी मांग रहती है, जिसके लिए लोग बैंक से भी इसकी मांग करते हैं। बैंकों ने लगातार आ रही मांग का हवाला भी आरबीआई को दिया है। हालांकि नोट के जल्दी खराब होने के चलते इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह से बंद होने के 20 साल बाद भी एक रुपए के नोट की मांग बराबर बनी हुई है, उसे देखते हुए लगता है कि सरकार ने यह फैसला लिया है। सगुन के कार्यक्रम, शुद्ध कार्यक्रम, जितने भी हमारे पवित्र कार्यक्रम होते हैं, उसमें एक रुपए को भले ही आप अलग से ना देखें, लेकिन 11 रुपए, 51 रुपए, 21 रुपए, 101 रुपए, 151 रुपए, 201, 501, 1001, ये बहुत महत्व है। कोई भी चीज़ जो है तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक इसमें एक रुपया ना डाला जाए। स्वाई हम बोलते हैं डाला जाए, पवित्र बात है, मंदिरों में चढ़ाना है, किसी के अच्छे कार्य में, विवाह शादी में, जन्मदिन में किसी को शगुन देना है, तो एक रुपए का नोट जो उसमें डालना बड़ा अच्छा लगता है। आज तक तो लफाफे के ऊपर जो सिक्का चिपकाया होता है वो एक अच्छी कठिन प्रक्रिया है, लेकिन एक रुपए का नोट आ जाएगा तो नोट के साथ नोट लगाते बहुत सुंदर लगेगा। अंदर मैंने जहाँ तक आपको पहले बताया कि इसके साथ बड़ी संस्कृति जुड़ी है। एक और जहां लोग एक रुपए के महत्व को समझते हैं, वहीं 2 और 5 रुपए के नोट को भी तरजीह देने की बात कर रहे हैं। जब 1 रुपए का आ रहा है तो 2 रुपए का भी आना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरत 5 रुपए के नोट की है, जो आजकल मार्केट में ना तो सिक्का है, बहुत कम सिक्का है 5 रुपए का, 5 रुपए के नोट सिक्के की ज़्यादा जरूरत है, नोट की वो आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक रुपए की तो ज़रूरत है कि शगुन देने के लिए कहीं ज़रूरत पड़ जाती है कई चीज़ें, बाकी 2 रुपए का भी आ जाएगा तो कहीं ना कहीं यूज़ तो होगा, उसका भी यूज़ तो उसका होगा। सूत्रों के मुताबिक कम मूल्य की राशि के नोट को छापने में सरकार को अधिक खर्च करना पड़ता है, इसलिए छोटी राशि के नोटों का छपना बंद कर लिया गया था, लेकिन करेंसी नोट होने के कारण इसकी छपाई दोबारा शुरू की गई। कितने में छपता है 1 रुपए का नोट, आइए आपको बताते हैं। 1 रुपए का नोट प्रति 1000 नोट, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड 385 रुपए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 400 रुपए। 1 रुपए का नोट प्रति नोट, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड 0.35 पैसे, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 0.40 पैसे। के चैनल के लिए विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों के चलन में आने के बाद सरकार ने 1994 में 1 रुपए के नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी थी। वहीं 2 रुपए के नोट की प्रिंटिंग फरवरी 1995 में और 5 रुपए के नोट की प्रिंटिंग नवंबर 1995 में बंद कर दी गई थी। हालांकि 5 रुपए के नोट को सरकार ने बाद में फिर से शुरू कर दिया। अब सरकार ने 1 रुपए के नोट को भी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, तो बहुत जल्द आपकी जेब में होगा 1 रुपए का नोट।
बतौर शगुन आपको सिक्के ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के चैनल। नमस्कार।